जैसे बच्चा पैदा होता है घर में, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके पास है उसमें उसका स्वामित्व वेस्ट हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसका मतलब है कि ही इन द नॉर्थ द कोपासनस बिकम द कोऑनर ऑफ द इन द कोपासनल प्रॉपर्टी। तो अगर हम डिमेंस राइट्स के बारे में सोचे तो ये पहले तो प्रॉपर्टी लैंड प्रॉपर्टी होता था। If the copartner will inherit after the death of the other copartner, it means the demand get nothing, कुछ भी नहीं मिलता। तब एक enactment आया, how to protect the rights of the widow। ठीक है, husband जब तक है, then she be maintained by the husband, but after the death, what happens? तब 1937 में एक enactment आया to protect the rights of the widow। और एक लिमिटेड राइट्स दिया गया कि जब उसके हस्बैंड मर जाएंगे तब उसके हस्बैंड के जगह पर विडो भी टेक जो है वो विधवा जो है उसका स्थान ग्रहण करते, टेक द प्लेस ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड। और लिमिटेड अधिकार होगा कि जब तक वो जीवित है तब तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगी, ही विल नॉट एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एनी मैन। So, limited right is given. और जैसे ही उसका देहांत होगा ऐसी भी गाड़ी या प्रिज्यूम कर लिया जाएगा देयर वर द प्रिजम्पशन कि नाउ द हस्बैंड विल डाई एंड देन द सक्सेशन विल ओपन। सक्सेशन व्हेन ओपन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, जब कोई मरता है तो सक्सेशन की बात होती है। सो दिस इज द इंसिडेंट्स ऑफ लॉ। हम कहते हैं कि कोई अधिकार कैसे रेस्ट हुआ, ये अधिकार, दिस इज द इंसिडेंस ऑफ लॉ। लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स की बात करते हैं, दिस इज नॉट इंसिडेंस ऑफ द लॉ बट द दैट इज द इंसिडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द पार्टी। पार्टी आप कुछ प्रयास करते हैं तब आपको अधिकार मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रयास नहीं करते हैं, एक व्यक्ति मरता है देन द राइट्स इज वेस्टेड, यू हैव राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। So, 1937 Act, we protected the widow's right up to some extent. But that 1937 Act be not providing the property rights in absolute manner. And thereafter, now Hindu Succession Act become. Now, Hindu Succession Act be protect the rights of the women. Where Section 6, before the amendment of 2005, what were the provisions? एक उपासना में एक और कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट था जो अभी एबोलिश हो गया है 2005 में, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, जो हम बोल रहे थे कि वन लिविंग उपासना भी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर उपासना आफ्टर द डेथ ऑफ द उपासना। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप टुडे भी एबोलिश, लेकिन अगर हम 1956 के एक्ट को देखें बिफोर दिस अमेंडमेंट देन व्हाट वाज द प्रोविजंस, कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवर अप्लाई होगा बट इसके भी लिमिटेशंस, देयर आर द सम लिमिटेशंस कि कहां अप्लाई नहीं होगा कहां अप्लाई होगा। जहां पर कहा कि इफ द डिसीज बी लेफ्ट क्लास 1 फीमेल हेयर्स, now then the doctrine of survivors will be not applied, where the doctrine of succession will apply. Rule of succession means now the parties or the heirs under the schedule 1 on 2 of the Hindu Succession Act 1956 will entitled to inherit the property. So class 1 year we entitled first we inherit the property in the absence of class 1 year, then the class 2 years, in absence of class 1 and 2 years, the class 3 years, acting from cognate, class 3 and 4. So female be also entitled to inherit the property subject to the conditions. So doctrines of survivorship have limited a scope by the enactment of 1956. But after the amendment of 2005, now this doctrine was abolished, doctrine of survivorship, and now
the daughter will also become the Upasana's as wife of son. So she is entitled to inherit the property as of son. So today, if she be born in or her family, then in Upasana's property, she becomes the owner of the property. Why such type of amendment be made and rights be protected? And that property has to be protected. The reason behind that, how to remove the abuse of dowry in our society. कैसे बिना तिलक के विवाह हो तो तिलक तो बढ़ रहा घर कहाँ रहा घर पर ही है क्या डॉक्टर बन जाइए इंजीनियर बन जाइए जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाइए तिलक और बढ़ जाए गरीब परिवार में बच्चे जन्मते हैं तो 50,000 में विवाह हो जाएगा लेकिन अमीर परिवार में करोड़ों अरबों लग रहा है तिलक बढ़ नहीं रही है घट नहीं रही है बढ़ रही है लड़का भी वैसे ही होता है ना इसलिए सामने वाला तो कहता हम खुद हैं डॉक्टर को डॉक्टर जज को जज अभी एक चीज हम देख रहे हैं कि अभी आप चले जाए कॉर्पोरेट सोसाइटी में ये चीजें खत्म हो रही है जहाँ पर लड़कियां कह रही है कि डिमांड दैट डार्लिंग देन आई डू नॉट सो मैरिड सच ए पर्सन नहीं जाएगा अभी कई विवाह ऐसे हुए हैं अरेंज मैरिज में उतना नहीं है सर वैसे हो रही है नहीं अरेंज मैरिज हो रहा है लव मैरिज हो रहा है फर्स्ट लव एंड देयर आफ्टर है वही सर अरेंज मैरिज मींस द मींस अ कंसेंट ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी मींस योर फैमिली मदर फादर मामा मामी दादा दादी देन दैट मेक्स अ सोसाइटी वही बोलते हैं सर हमारा लड़का भी तो है वो भी तो पढ़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं ऐसा नहीं है आई जस्ट पर्सन्स आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफ जुडिशियरी मेडिकल देन सी वी सोलमनाइज द मैरिज बियॉन्ड द कास्ट वार एंड विदाउट एनी डॉलर सो मेनी थिंग्स वी हैपन इन माय लाइफ हमारे बड़े भाई के बड़े भाई के सामने उनकी बच्ची डॉक्टर है और जल्दी वो विवाह करने के लिए हमसे कहते थे तो कहते जरा देखिए इस लड़का को जरा भेजिए तो कई बार लड़का देखने के लिए उस लड़की को गया तो लड़की इधर उधर करके अपना डिनाई कर रहे थे तो हमको कह रहे कि पीछिए तुम विवाह किससे करोगे सर कहीं ना कहीं पर मामला जुल है तो फिर एक इंटर कास्ट मैरिज जो है जो मुसलमान विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टीज हुआ कहाँ तिलक करना बोथ आर द डॉक्टर्स एंड देन ही एंड सी वी जॉइन द जॉयफुल लाइफ इन डेटिंग अभी बच्चे भी हैं तो ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि एक डॉली सिस्टम कैसे खत्म हो एक एक तरह से आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स को खत्म कर कर के ही लेजिस्लेचर आपके विमेंस राइट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द नेगेटिव प्रोटेक्शन ऑफ द दिखता नहीं है बट योर राइट्स भी प्रोटेक्टेड डॉली हमेशा लड़कियां रहते थे So how to abolish that dowry in our society? So law is there. Dowry Provision Act 1961 we enacted. What is the impact and then the need to settle? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या enforcement must? इसीलिए ये विषय है dissertation का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है. Social research बहुत जरूरी है. और मैं समझता हूँ कि जब तक society मैं सोशल रिसर्च नहीं होंगे प्रॉपर और सोसाइटी तब तक है भी नहीं हो सकती पैसा बहुत है लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है बेचैनी वैसे 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 सुखी कहाँ है लोग सुखी तो हैप्पी इंडेक्स को आप ना भी यहाँ से उसके मापक डिटर्मिनेशन सोशल रिलेशन से करें रोटी खा करके भी सुखी जीवन जी सकता है सर लेकिन सोच नहीं बदली उनको ये कि वर्किंग वूमेन है तो हर महीने इंस्टॉलमेंट पे आएगा और अगर नहीं, नहीं है तो दहेज के तौर पे आता है सर यू भी कंप्लेन टू द एंड यू भी कंप्लेन टू द मेल पैटर्न ऑफ सोसाइटी टू द एग्जिस्टेंस बहुत कम लोग यू भी कंप्लेन तो धीरे धीरे बदलेगा एक एक को तो रिवॉल्यूशन नहीं सर इन इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो डाउरी इज सो अप आवर रिचनेस हां We need four wheeler. Yes, sir. And I have no income. To purchase the four wheeler, then I demand the. Are they there?
क्योंकि पहले अभी नहीं होता है, साइकिल चाहिए, आपको क्या साइकिल नहीं चाहिए, गांव में जाइए, गांव में अगर देते हैं, लड़का रुझा हुआ विवाह के मंडप में साइकिल रेडियो नहीं मिला। बिल्कुल राइट, यू आर राइट, बट प्रश्न ये है कि सास बनती हैं आप ही, तो आप अपने बहू के एज से अपने आप को अगर सोच लीजिए तो वो एक एक जनरेशन के बाद हम चेंज हो जाए। सर अब वर्ड यूज होता है कि हमारी बहू कमाऊ है, मतलब वो दहेज का ही दूसरा रूप है। अगर वर्किंग ऐसे सर क्यों नहीं शादी करते, कुछ नहीं बिल्कुल सिंपल लड़की से नहीं करते सर, वहाँ दहेज चाहिए। इसीलिए मैं सर कहले कि सोशल रिफॉर्म जरूरी है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये सोशल रिफॉर्म कैसे संभव है। हाँ सर, एक दो चीज अभी आपने बताया भूल जाएंगे, जैसे कि 2005 का ये जो एक्ट आया सक्सेशन है, उसमें क्यों, व्हाई? एक मिनट मैडम, आपने क्वेश्चन पूछा।